नमस्कार, ज्ञान नीति के आज के इस भाग में मैं अनुप कुमार सेठ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मेन यूज क्या होता है? मेन यूज पॉलीमॉर्फिज्म का ये होता है कि आप चार क्लासेस बनाते हैं और सब कुछ आपस में रिलेट कर रहा होता है। क्या? जी हाँ, यहाँ पर से जैसे क्लास बनाई है हमने और इसके बाद एक और क्लास बनाई है और वो जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपस में रिलेट कर रही होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक क्लास जो है उसको हम बना देते हैं, यहाँ पर से प्रोटेक्टेड हटा रहा हूँ मैं यहाँ पर से, और यहाँ पर ये सारा कुछ वही है, हमने पहली वीडियो इससे पहली वीडियो में हमने इनहेरिटेंस सीखा था तो इसी से रिलेटेड है। तो अब मैं यहाँ पे साउंड लिख देता हूँ सिंपल तरीके से, और इसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं किसी एनिमल का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्या होता है कि एक एनिमल है और उसकी जो है कई सारी प्रजातियाँ होती हैं, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया एंड कई सारे उसमें होते हैं, और उसके बाद जैसे लॉयन हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम उसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एनिमल, और इसके बाद यहाँ पे पब्लिक वॉइड जो है उसका साउंड जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। साउंड क्या होगा, एनिमल्स जो है साउंड बनाते हैं, ओके साउंड होते हैं उनके, तो द एनिमल्स मेक साउंड्स, ओके। तो हम यहाँ पे ये सिंपल तरीके से लिख लेते हैं, और इसके बाद क्या होते हैं, कोई एक साउंड बनाते हैं वो इस तरह से। अब क्या होता है, हम यहाँ पर से इसी चीज़ को सेम को इस एरिया को डिलीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी अभी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, और इस वाले एरिया को अभी, और इतना जो है ये एक्सटेंड जो होगा ये एनिमल को करेगा, जिसको भी करेगा वो मैं आपको बताऊँगा। इसको अभी हम नीचे छोड़ देते हैं, और यहाँ पे हम आते हैं ऊपर, और इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ मैं इस तरह से, एक और बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और इसके अंदर एनिमल में क्या आता है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कैट, और इसके बाद उसका जो साउंड होता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल तरीके से, ओके। एंड यहाँ पे उसका जो साउंड होगा वो तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बट इससे पहले ऊपर आप इसमें ये लगाना मत भूलिएगा, वरना ये जो है एरर शो कर देगा, ओके। तो इसीलिए इस फ्रेज इसको इस तरह से लगा लीजिएगा। एंड यहाँ पे हम एक्सटेंड लिखेंगे, एक्सटेंड जो होगा इसके बाद हम इसमें एनिमल्स को एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से, सॉरी एनिमल, ओके इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कैट है, कैट जो होती है उसकी कैसी आवाज होती है, कैट, और इसके बाद सेज, कैट कैसे बोलती है, म्याऊ, ऐसे ही कुछ साउंड होता है ना, जो भी हो। तो हम एग्जांपल के थ्रू है तो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, बाकी आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। अभी इस बात का ध्यान रखिए, ये जो ऊपर हमने लिखा है सेम उसी से रिलेट कर रहा है, ओके। अब जब कैट की बात आएगी तो ये चीज ऐड होगी, अगर उसी में हम एक और चीज लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे, ये क्लास एनिमल नहीं होगा, यहाँ पे एक्सटेंड लिखना भूल गमन, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डॉग, ओके इस तरह से, और इस तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं। जब डॉग की बात आएगी तो द डॉग सेज, डॉग क्या से कहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ओके इस तरह से, ओके। जो भी साउंड होता है आप वो लिख लीजिएगा, मैं ऐसे एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जांपल की तरह, तो इसीलिए मेरे को ज्यादा इस बारे में बात नहीं करनी है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर से हमने क्या किया, पहले अगर कैट की बात आती है तो कैट सेज म्याऊ, और अगर डॉग की बात आती है तो भाव लिखा है यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ पर से जैसे हमने दो चीजों को लिख दिया है, अब हम इस चीज को यहाँ पर से, अब ये जो होगी मेन क्लास होगी, ओके। अब ये जो आएगा हमारा मेन होगा, तो हम यहाँ पे क्लास जो है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये जो है हमारी मेन क्लास है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मेन, मेन एनिमल, एनिमल प्रिंट इस तरह से लिख दे रहा हूं। और इसके बाद क्या होता है, हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड एकदम ठीक लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरह से, ये जो लिखा हुआ है इतना, और इसके नीचे हमें बाकी सारी चीजें लिखनी है। अब बात आती है एनिमल की, एनिमल, अब एनिमल जो होगा उसमें आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर से एनिमल, एनिम,
एनिमल्स लिख देते हैं या फिर ऑब्जेक्ट लिख लिए तो बाघ खत्म। ओके ऑब्जेक्ट एनिमल इस तरह से कुछ भी आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ और इसके बाद न्यू और इसके बाद आपको न्यू एनिमल इस तरह से ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज एंड यहाँ से इसको टर्मिनेट करना है। ऐसे ही आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आपको एक और माय एनिमल जो होगा एनिमल ही लिखना है एनिमल और यहाँ पे क्या आपको ऑब्जेक्ट बनाना है OBJ ऑब्जेक्ट कैट। ओके इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है ये क्लास के लिए कैट के लिए और इसके बाद आपको न्यू करके क्या करना है दोबारा से एनिमल नो यहाँ पे आपको न्यू करके ये जो दूसरा वाला जो था ना यहाँ पर ये एनिमल कैट इस वाले को आपको यहाँ पर लिखना है ये वाला। तो हम क्या करेंगे न्यू और इसके बाद यहाँ से कैट और इसको इस तरह से ब्रेसेस एंड ओपन एंड क्लोज एंड यहाँ से इसको टर्मिनेट कर देंगे। ऐसे ही दोबारा से एनिमल लेंगे हम और एनिमल लिखने के बाद हम OBJ ऑब्जेक्ट लेंगे ऑब्जेक्ट जो होगा और उसके बाद इज इक्वल टू डालेंगे और OBJ जो होगा ये होगा डॉग का तो यहाँ पे डॉग लिख लेते हैं इस तरह से और इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू और उसके बाद हम यहाँ पे डॉग जो था उसी चीज को यहाँ पे कॉल करा लेंगे इस तरह से। डॉग का ध्यान रखिए कि यही वाला डॉग है ना जी हाँ। ओके अब अगर बात आएगी कैट की तो क्या आएगा डॉग की बात आएगी तो क्या आएगा वो चीज यहाँ पर है। अब इसके बाद क्या होता है हम यहाँ पर सिंपल तरीके से सबको कॉल करा लेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये जो आप देख रहे हैं इसको कॉपी कीजिए यहाँ पे पेस्ट कीजिए डॉट और इसके बाद आपको क्या किसको कॉल कराना है एनिमल साउंड जो सबसे पहले वाला था एनिमल साउंड ये वाला जो साउंड था सिंपल था एनिमल के अंदर जो साउंड था वो और इसको यहाँ से टर्मिनेट करना है। अब ऑब्जेक्ट क्लास है इसको कॉपी करना है यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसके बाद डॉट लगाएंगे अब किसको कॉल कराना है हमें कैट को तो ये कैट तो यहाँ पे आ गया कैट और यहाँ से इसको ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज ये रहा। ओके एंड एक और ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट कौन सा OBJ डॉग ये वाला कॉपी यहाँ पे पेस्ट डॉट और इसके बाद ये वाला डॉग यहाँ से इतना ही कर लेते हैं इस तरह से इतना ही किया मैंने और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है छोटा सा प्रोग्राम था। और एक चीज का ध्यान रखिए ये कहीं छूट ना गया हो तो मैं देख लेता हूँ ये यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है इसको ध्यान रखिएगा। ओके इस तरह से एंड आई थिंक ये जो हमने यहाँ पे साउंड लिखा है आप देखिए सब में मैंने सेम लिखा है। ओके एक दो तीन और मेरे को किस चीज को कॉल कराना है इन्हीं को तो कॉल कराना है तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पे सिंपल तरीके से कैट नहीं बल्कि साउंड ही आएगा। ओके तो इस बात का ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे से दोबारा लिख दे रहा हूँ पेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ इस तरह से एंड अब आपको फोल्डर में जाना है और ये जो आपका फोल्डर है इस फोल्डर में आने के बाद ये जो फालतू की हमने पुरानी क्लासेस थी इसको डिलीट कर दीजिए और इसके बाद इसको यहाँ पर से सेव तो होता नहीं है इसको सेव कर लीजिए और यहाँ पर आकर के इसको रन कर दीजिए कंपाइल करते हैं। ओके एरर फ्री है और इसके बाद हम इसको रन करेंगे रन करने के लिए क्या कौन सी क्लास ये वाली क्लास आपको प्रिंट करानी है तो यहाँ पर से सॉरी इसमें हम जावा और इसके बाद एनिमल प्रिंट कॉल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे द एनिमल मेक साउंड्स कैट्स की बात आती है तो वो सेज म्याऊं एंड अगर डॉग की बात आती है भौं भौं लिखा हुआ है तो इस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म का एक ये छोटा सा कोड था जिसमें हो क्या रहा था ये एक एनिमल की क्लास लिखी हुई है इस तरह से ये फर्स्ट है और इससे क्या है यहाँ पर ये जो है ये रिलेट कर रहा है इससे भी और इससे भी। बात अगर आती है कैट की तो फिर ये वाला आ जाता है म्याऊं और अगर डॉग की बात होती है तो भौं बट यहाँ पे आप साउंड देख रहे हैं ना एक दो और इसके बाद साउंड की बात भी एक ही है बट अगर इसके संदर्भ में है तो ये चेंज होता है अगर इसके संदर्भ में नहीं है तो वो सिंपल सा मैसेज यही वाला प्रिंट हो जाता है। तो सिर्फ यही है पॉलीमॉर्फिज्म और इसका ऐसे ही यूज होता है ये छोटी सी कोडिंग है
और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म को सीख रहे हैं। तो आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और ज्ञान निधि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आने वाली वीडियो की अपडेट्स चाहिए तो बेल आइकन को दबाने के बाद आप कमेंट्स में और भी बता सकते हैं कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।